उसने बिग बॉस की गेम भी बहुत अच्छी खेली है अंकिता ने। ओके मनारा के बारे में भाई 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 बस भाई भाई आराम से आराम से भाई 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 एक मिनट अंदर ले मुनावर का इंटरव्यू कब करेंगे आप? काफी हो गया मुनावर का, किया मैंने, कर लिया। हाँ अभी करके निकल ही रहा हूँ। क्या क्या सवाल पूछे आपने? बहुत अच्छे अच्छे सारे जवाब मुनावर के बिग बस में देखो आप। थैंक यू। हो सकता है कि जीत जाए, मतलब मुझे बहुत खुशी है मुनव्वर की, क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर आया, मेहनत किया हुआ लड़का, और मुनव्वर का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, और उसने गेम लड़ी भी बहुत साहा भी है, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। और मुनव्वर को मैं बहुत गुड लक विश करता हूँ उसकी लाइफ के लिए। अंकिता लोखंडे काफी नाराज होके गई है यहाँ से, उसका नाराज होना बनता भी है उनका। बिग बॉस ने उनके साथ काफी गलत किया। बिग बॉस ने गलत नहीं किया, देखिए वोटिंग भी होती है, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन आई थिंक मैं मुनव्वर और अंकिता को भी फाइनल्स में देख रहा था दोनों को, तो जैसे अंकिता को भी थोड़ा बुरा लगा है, तो मुझे ऐसा लगता है अंकिता को होना चाहिए था। अंकिता मेरी हमारी दोस्त है और वो डिजर्व भी करती थी कि वो फाइनल टू में होती। मैं ये नहीं कहता कि चलो जीत जाती, भले जीत भी जाती, लेकिन अंकिता को मैं देख रहा था मुनव्वर के साथ खड़े होते, तो वो चीज मुझे भी थोड़ी सी लगी। मतलब आपको खराब लगा अंकिता के लिए थोड़ा? हाँ थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि हमारी दोस्त भी है वो, थोड़ा सा लगा। अभिषेक लेकिन टेलीविजन की बहुत ही टॉप एक्ट्रेस थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनका रहना चाहिए था टॉप टू में। टॉप टू में होना चाहिए था यार, चीज वर्क अ लॉट। और चलो वो अलग बात है कि वो